प्यार में असफलता का कारण क्या है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों लोग धोखा देते हैं और क्यों मैरिज हो नहीं पाती, घर वाले मान क्यों नहीं पाते, इन सब का कारण क्या है। बालों का झड़ना, नूर का कम हो जाना, चेहरा ढल जाना और अचानक दुर्गंधी आने लगना, मन नहीं लगना और बार 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 निगेटिव ख्याल आना, मन एकांत में जाने को करना और कहीं भी मन नहीं लगना, ऐसे हजारों कारण हैं, हजारों निवारण हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं काली मिर्च की 7 दानों से तुम्हारे जीवन में एक अलग चमत्कार हो सकता है। क्या होगा? 7 जन्मों का साथ सुनिश्चित हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में हर बार तुम्हें जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के सारे साधन क्रिएट किए जाते हैं। यहां 20-22 सालों में 25,00,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपको सीधा साझा किया जाता है। आपको बड़ी स्पष्टता से कहूं, जीवन का एक अलौकिक दर्शन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हजारों हजार लोग काम करके आपका जीवन ठीक कर रहे हैं। 24/7 अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर आपके अपने जीवन को ठीक करने के लिए हैं। ये कस्टमर केयर नंबर नहीं, ये आपकी लाइफ लाइन नंबर है। इसका उपयोग आप तब करें जब आपके पास कोई रास्ता बचे नहीं। लोग बीमारी का इलाज करते हैं, हमारे यहां मुर्दों का इलाज हो रहा है। हम वो कर रहे हैं जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ये विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। विवाह के पहले अथवा विवाह के बाद जीवन में प्रेम को सही करने का साधन बताया जाता है। आज हम आपको कह रहे हैं कि रिश्तों को खराब होने के अपने कारण हैं और लक्षण हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपके नेचर में परिवर्तन आ रहा है, अगर आप स्वाभाविक तौर पर बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको लोग इगोइस्टिक कह रहे हैं और लोग आपकी बुराई करने लगे, तो आप समझिएगा कि ये रिश्ता खराब होने की कगार पर है। चीजें राहु और मंगल, राहु और केतु का मध्य भाग में अगर शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति ये ग्रह आ जाए, इनके संसर्ग में आ जाए तो भी दिक्कतें आती हैं और इनके नजर में, दृष्टि में आ जाए तो भी ये दिक्कतें आती ही आती हैं। कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के पहला भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, सेवंथ, एट्थ, एकादश और द्वादश, ये भाव ऐसे हैं जहां से आपने वैवाहिक जीवन को और पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को देखते हो। एक और बात कहूं, ज्योतिष कहती है, एस्ट्रोलॉजी कहती है, हस्तरेखा कहती है, मस्तक रेखा कहती है कि जीवन में प्रेम का अपना एक मतलब है। प्रेम के अपने 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 स्वभाव हैं और अपने अपने व्यक्तित्व में प्रभाव हैं। हमने अभी पिछले वीक किसी का वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो गया था और कुछ चंद दिनों में ठीक हो गया। कारण क्या था? मंगल और शनि की युति थी और उसका उपयोग, उसका प्रयोग अलग तरीके से किया जा रहा था। हमने उनको शहद और सरसों के उपाय बताए, उससे उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन में सही दिशा, डॉक्टर का काम कितना है? वो केवल डायग्नोज कर ले क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कितनी दिक्कत है। ठीक करने का काम तो दवाई का है, वो कर ही देगी। अन्यथा आप सोच कर देखो, पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर भी रख ले हम अपने घर में तो ठीक नहीं हो सकते, ठीक होना मुश्किल है। पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर भी रख ले, पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर आप चला रहे हो तो भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। आप स्वस्थ तब होंगे जब आप मतलब की दवाई खाएंगे, अपने अनुकूल दवाई खाएंगे। एक और बात कहूं, हाँ, जीवन में तुम्हें ठीक होने का अपना एक स्वरूप है। हड्डी वाला डॉक्टर हार्ट पेशेंट को नहीं देख सकता, ब्रेन वाला डॉक्टर हड्डी वाले पेशेंट को नहीं देख सकता, उसे नहीं मालूम क्या कैसे ठीक करना है, कैसे ऑपरेशन करना है। कितना ही बड़ा सर्जन क्यों ना हो, वो एक दूसरे के फील्ड में जाकर काम नहीं कर सकता।
लेकिन ज्योतिष में बड़ा ही विडंबना है। यहाँ लोग किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम करने लग जाते हैं, उनके पास पहुंचो तो वो अपने आप को स्वयंभू बताते हैं, वो बताते हैं हम सब कर सकते हैं, तो आप सब हो सकता है। अभी मैं पीछे किसी कार्यक्रम में था, उसमें एक बड़े ज्योतिषाचार, सो कॉल्ड बड़े ज्योतिषाचार, ज्योतिषाचार बड़े नहीं थे, उनको लोग मानते बड़े है नहीं बड़े, वो ज्योतिष की बुराई कर रहे हैं और ज्योतिष के संदर्भ की बुराई कर रहे हैं, दुनिया भर की बुराई कर रहे हैं, साधु संतों की बुराई कर रहे हैं, दुनिया भर की बुराई। और अच्छा कौन? मैं स्वयं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब सही हूं। ऐसे लोगों से बचो। पंडित हो, पुजारी हो, पाधा हो, आडंबरी हो, प्रपंची हो, मुल्ला मौलवी, तांत्रिक मांत्रिक हो, इनसे बचो। क्यों? क्योंकि ये अपने स्वार्थ में तुम्हें गलत रास्ता बताएंगे। तुम विशेषज्ञ से मिलो, जो जिस विषय का जानकार हो। तुम्हें नौकरी की प्रॉब्लम हो, तुम्हें व्यापार की दिक्कत हो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत हो, मैंने नहीं देखता, मेरे पास मत आना। तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत हो, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे मैरिटल लाइफ में, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में, तुम्हारे सुखी जीवन में कहीं कोई अड़चन आ रही, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं पर्टिकुलर एक विषय को देखता हूं, विषय में पारंगत महसूस करता हूं अपने आप को। पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां पर यह सब काम किया जाता है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, तो मैं सीधा उपाय की ओर लेके चल रहा हूं। उपाय वो जो तुम्हें काम करेंगे। ये स्किप करके देखने वालों बहुत ध्यान समझना, ये पहले की बात है, सुननी समझनी ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पूरी बात नहीं समझोगे तब तक आप उपाय का महत्व तो नहीं समझ पाओगे। काली मिर्च में क्या ऐसा खास है? काली मिर्च साथ ही क्यों लेनी है? काली मिर्च का जो आकार है वो गोल ही क्यों है? काली मिर्च में थोड़े थोड़े खड्डे क्यों होते हैं? काली मिर्च का आकार और स्वरूप ऐसा क्यों है? उसका रंग काला क्यों है? उसका स्वाद तीखा क्यों है? और वो तीखा बिल्कुल मिर्च जैसा नहीं, कुछ अलग तरीके का तीखा है। और वो औषधि में काम क्यों आता है? वो आयुर्वेद में क्यों काम आता है? वो कंठ के स्वर को अच्छा क्यों करता है? उसे शहद के साथ क्यों खाना चाहिए? ऐसे 1,00,000 सवाल है। तुम काली मिर्च को जानोगे समझोगे तब, जब तुम पूरी बात समझोगे, पूरी बात सुनोगे, अन्यथा तुम आधी अधूरी बात सुनके उपाय की तरफ भाग जाओगे और तुम्हें कुछ भी मिल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान समझना, काली मिर्च एक लौकिक पद्धति का स्वरूप है। काली मिर्च औषधि ही नहीं, ये तंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल वस्तु है। इससे बड़ी वस्तु तंत्र में बनी नहीं है। तांत्रिक को केवल और केवल लौंग या काली मिर्च कोई एक चीज मिल जाए उसका काम हो जाता है। हाँ, काली मिर्च लौंग से भी ज्यादा ताकतवर है। काली मिर्च जिस खाने में डाल दिया जाए, गौर से समझना, उस खाने में किसी भी प्रकार का विष असर नहीं करता, इतनी ताकतवर है काली मिर्च। काली मिर्च शहद में डाल करके शरीर में पनप रहे जहर को समाप्त करने की क्षमता है उसके अंदर। चाहे वो रिश्तों में जहर हो, चाहे वो किसी के बीच में आ रहे लोगों के मध्य में जहर हो, चाहे मस्तिष्क में किसी के जहर घुल गया हो, वो समाप्त करने का काम सिर्फ काली मिर्च कर सकती है। साथ काली मिर्च का प्रयोग ये तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। इसका उपाय, उसका समाधान, उसका सलूशन बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव प्राप्त कर रहे, आपके बीच की एक कहानी, आपके बीच की एक सफल कहानी आपको सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपसे जुड़ी और मैं आपसे पूजा करवाई तो मेरे पति मुझसे अच्छा से बात करते हैं और लड़की औरत चक्कर से अभी दूर हैं। आपसे नहीं जुड़ी थी उससे पहले मेरा पति मुझे एक चलती फिरती जिंदा लाश बना दिए थे मुझे, और पूजा करवाने के बाद अभी पूरी तरह से जिंदा हो गई हूँ मैं अभी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे। अब तुम्हें उपाय की बात कर रहा हूँ, उपाय सल्यूशन समाधान की बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है? 7 काली मिर्च लेनी है, अपने हाथ को हृदय के सन्मुख रखना है और इस पे काली मिर्च रख लेनी है। काली मिर्च रखने के बाद हाथ अपोजिट करके उसको बंद कर लेना है, बिल्कुल इस प्रकार से। अब काली मिर्च को अंदर अंदर महसूस करना है। ये काली मिर्च जब तक वाइब्रेट न करने लगे, ये काली मिर्च जब तक खिलने ना लगे, ये काली मिर्च जब तक अंदर अंदर घूमने ना लग जाए, जब तक इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आ जाए तब तक हाथ मत हिलाना। ये काम 1 मिनट के अंदर हो सकता है, 10 सेकंड में हो सकता है, 2 सेकंड में हो सकता है, अथवा 5 मिनट तक लग सकता है। तो जल्दबाजी भी नहीं करना। आपको बोलना क्या है? ओम
कम कम चम चम तम तम यम यम सम सम दम दम भीम धूम स्वाहा। ये बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। नीचे दिया हुआ मंत्र लिख दिया है नीचे, इसको सुनिए, आराम से इसको याद करिए और करते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। अब धीरे 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 वाइब्रेट होने लगेंगे। जैसे वाइब्रेट होने लगे, जैसे घूमने लगे, जैसे अंदर कुछ हलचल महसूस हो, वैसे ही अपने पार्टनर का नाम ले लेना, वैसे ही अपने प्रियतम का नाम ले लेना, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का नाम ले लेना जिन्हें तुम ठीक करना चाहते हो। बस 3 बार उनका नाम लेना और ये ऐसे अंदर 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 3 बार रगड़ कर हाथों से ऐसे सीधा करके नमस्ते वाली मुद्रा मिलाकर ये जो आपके हाथों में काली मिर्च है इसको ऐसे ही उठकर कहीं थोड़ा सा अपने घर से दूर सुनसान जगह में जाकर ऐसे पीछे की तरफ फेंक देना, बस पीछे की तरफ जाने दीजिए और पलट कर नहीं देखना है। ऐसा करके तुम भाग कर चले आओ। उसके बाद जितनी तेजी से तुम भाग कर आओगे उतनी तेजी से भाग कर तुम्हारा रिश्ता आएगा, उतनी तेजी से भाग कर तुम्हारा संबंध आएगा तुम्हारे पास और अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा होगी, ईश्वर तुम्हारे ऊपर अनुकूल होगा और सब तरफ से तुम प्रसन्न हो जाओगे। जल्दबाजी नहीं करना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, पूरे श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना, पूरे मनोयोग से पूरे मनोभाव से पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ ये उपाय करें। आपका जीवन परिवर्तित होगा और तत्काल आपको इसका लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खूब श्रद्धा से उपाय करें तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करना। तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपने पिताजी हैं, तुम्हारे अपनी माताजी हैं, तुम्हारे अपने भाई बंधु, सखा, मित्र, इष्ट अथवा गुरु, जो भी तुम मुझे मानते हो मैं तुम्हारा वही हूं। बिल्कुल आनंद से तुम मेरे साथ कभी भी संवाद कर सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या रिकॉर्ड करा सकते हो। मेरे साथ डायरेक्ट बातचीत ना हो पाए तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अधिक समय तुम्हारे काम को ठीक करने के लिए साधनाओं में होता हूँ। तो आप बिल्कुल आनंद से, श्रद्धा से, विश्वास से जुड़े, आपका जीवन परिवर्तित होने की तरफ ही चलने वाला है। इसलिए महादेव ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, तुम्हारे इष्ट ने इस वीडियो को तुम्हें दिखाया है, तो इसके प्रति श्रद्धा रखो। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हर हाल में तुम्हारी चीजें ठीक करने वाला हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।